बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम पार्लियामेंट हाउस से सहर खान आपके साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ पार्लियामेंट कैफेटेरिया में मौजूद हैं मैडम MNA नुसरत पठान साहिबा। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त के हवाले से उनकी क्या डेडिकेशन है, उनका क्या मैसेज है कौम के नाम, और इसके अलावा हुकूमती 2 साल कारकर्दगी पर भी बातचीत होगी। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं मैडम नुसरत पठान साहिबा को अपने प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम इन द प्रोग्राम मैडम, और आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमें टाइम दिया और बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप हमें कुछ बताइएगा कि आपका पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ख़ास करके जहाँ जिस प्रोविंस से, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, सूबा सिंध से, तो क्या चैलेंजेस दरपेश हैं सियासत के अंदर और ज़मीनी हकाइक क्या हैं? जी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा पार्लियामेंट में नहीं आई हूँ, दो दफ़ा MP बन चुकी हूँ मैं, और सिंध से ही नुमाइंदगी होती है मेरी, तो बड़ा अच्छा और बड़ा टफ भी है, ख़वातीन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, और अपने सूबे के लिए, अपने सूबे के लोगों के लिए बात करना, उनके हक के लिए आवाज़ को स्ट्रांगली इस प्लेटफॉर्म से उठाना मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है ना, तो उस लिहाज से तो मुझे तो बड़ा अच्छा तजर्बा हुआ। लेकिन ये और अलग बदकिस्मत ही है कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा जो पॉजिटिव स्टेप दूसरे सूबों में उठा रहे हैं तो हम सिंध में इस तरह नहीं उठा सकते, इसलिए सिंध की हालत ज़्यादा ही मखदूश है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बारिश आती है तो डूब जाता है, डूब जाता है, और बिजली चली जाती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे होता जा रहा है, कोरोना के केसेस उधर ज़्यादा कसरत से हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट की तो कोरोना से हम लड़ सके वहाँ पर, और वरना तो वहाँ पे एड्स बहुत फैल रही है, हेपेटाइटिस सी बहुत है, और बच्चा बच्चा रोडों पे ही बच्चे पैदा कर देते हैं वाला बात है। वेंटिलेटर्स नहीं हैं, बच्चों के वेंटिलेटर्स, इतना बड़े शहर हैं कराची और हैदराबाद और दूसरे मीरपुर खास, जहाँ कामन जिंदगी 70 सालों में, पाकिस्तान की 70 सालों में जिन गवर्नमेंट्स की हुकूमत रही है उनको इन बेसिक नीड्स के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी, जो बदकिस्मत से नहीं दी गई। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, माशी तौर पर खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन आम आदमी जो है ना वो गुरबत की लकीर से बहुत नीचे चला गया। और सिंध की बदकिस्मत ये है कि हम अभी तक भुट्टो साहब का कर्ज उतार रहे हैं, और साल हो गए, सालों हो गए हम कर्ज ही उतार रहे हैं, और अब तो सूद समेत उतार रहे हैं हम, तो पता नहीं वो कर्ज कब उतरेगा ये सूद। हालांकि जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी है उसका तो कोई कर्ज उतार भी नहीं सकता, ये एक हकीकत है। और बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो कुर्बानी है उसका भी कोई कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप उस कर्ज के तले अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को दबा के रखें, कब्र के अंदर डाल दें। पूरा लाड़काना के बच्चे एड्स का शिकार हो गए हैं, बड़ों का तो समझ में आता है कि उन्हें एड्स क्यों हो जाएगी, लेकिन 3 माह के बच्चा मर जाता है एड्स में, 6 महीने के बच्चा मर जाता है एड्स में। आप वहाँ के पीट्स वार्ड जाकर देखें, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के, जिसके भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब, फरियाल टालपुर, और अब बिलावल भुट्टो MNA हैं और उनकी गवर्नमेंट है, तो आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसे आप कह सकेंगे किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। लोग कराची में शिफ्ट होते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि ये किस तरीके से जो है इन चैलेंजेस को नबूदजमा हुआ जा सकता है? असल में मैं वही कहा ना कि हमारी सिंध की लोगों की बदकिस्मती हो गई कि इमरान खान की गवर्नमेंट वहाँ नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जिस तरह देखती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म साहब इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे पंजाब में इंटरेस्ट लेते हैं अपना वज़ीर आज़म साहब, तो उनकी गवर्नमेंट्स हमारी गवर्नमेंट्स हैं तो हम उसमें आज़ाद हैं। यहाँ अगर हम हेल्थ की फैसिलिटीज़ देने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं थर के बच्चों के लिए जो है मोबाइल एम्बुलेंस भेजता हूँ या ऑक्सीजन के कोई ऐसा करता हूँ, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इस तरह करेंगे तो हम आपको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो अगर आपके साथ कोई अच्छा करना चाह रहा है और आपके सूबे के बच्चे के लिए कोई ज़िंदगी की कोई फैसिलिटीज़ मुहैया करके दे रहा है तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज करते हैं, और अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आप सिंध के आम आदमी की लाइफ को बेहतर करें तो आप कहते हैं कि जी ये तो हमारे दुश्मन हैं,
तो ये चैलेंजेस हैं खान साहब को, वजीर आजम साहब को, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट के राइट्स हैं और वो सूबे में जितना 18वीं तरमीम के बाद अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना तो हम स्टार्ट किया है। अभी आप देखें कराची में इतना कुछ पानी आ गया तो हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पूरी इंतज़ामिया को भेजना पड़ा जी जी। और दो तीन दिनों में वो मामले ठीक हो गए। इसके बाद हॉस्पिटल्स को भी हम कर रहे हैं, अब हम हॉस्पिटल्स लेना चाहते हैं तो कहते हैं कि क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं वफाक और सूबे में कुछ थोड़ा सा जो है, हालांकि वो हॉस्पिटल हैं भी फेडरल गवर्नमेंट की, फिर भी कहते हैं क्यों ले रहे हैं भाई, ठीक है आप फैसिलिटीज मुहैया करो। फिर कहते हैं कि अगर वफाक गवर्नमेंट ने हमसे ले दी तो हम उनके पर चार्जेस लगाएंगे, हम उनको कहेंगे कि जो हमने खर्च किया वो दे दो, तो ये सारी चीजें हैं। अभी क्या सीएम सिंध के साथ में कुछ मीटिंग्स कंडक्ट हुई हैं आपके प्लेटफॉर्म से या आपकी पार्टी की? हमसे तो वो मिलना ही नहीं चाहते ना, हम हमसे नहीं मिलना चाहते, हालांकि बड़े डिसेंट बंदे हैं, बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, बड़े रिजनेबल बंदे हैं और उनकी जो दूरंदेशी, उनके वालिद साहब बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, ये भी अच्छे चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन अगर आप जाहिलों के बीच में किसी पढ़े लिखे बंदे को भेजे तो 6 महीने के बाद वो भी जाहिली बन जाता है। सही के इलेक्ट्रिक का बहुत जो एक ड्रॉबैक नजर आया है इस सारे सिनेरियो में, तो उसके ऊपर क्या आपके जो है इरादा है कि यहाँ पे कुछ और कंपनीज को भी स्टेक होल्डर बनाया जाना चाहिए जैसा कि कोर्ट के भी रिमार्क्स हैं? जी हाँ, क्योंकि ये एक मैं तो समझती हूँ ये एक माफिया थी जो सालों से इस पे काम कर रही थी ना, और पाकिस्तान के असासों के ऊपर उनकी बड़ी नज़र है। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि निजी कंपनियाँ नहीं आए, लेकिन किसी एक को बादशाह बना देना और वो तो इस लिहाज से अभी इस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि के इलेक्ट्रॉनिक के जो मामला हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और होंगे भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा अच्छे उनके रिमार्क्स दिए हैं, रिमार्क्स भी दिया और एक्शन भी उठाया, एक्शन भी उठाया है। दो साल कारकर्दगी के ऊपर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि खास करके आपका जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक है वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं अभी हालिया आपके टेन्योर में? क्योंकि मैंने बताया ना कि वहाँ पर MLA जिस हल्के में मैं हूँ वहाँ का MLA किसी और पार्टी का है, MPA किसी और पार्टी का, तो वो अपने पॉकेट्स के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, जहाँ पे तरीके इंसाफ के लोग हैं या जहाँ न्यूट्रल लोग हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ जितना डैमेज कर सकते हैं वो करें, और हमें जो है ना MNAs को ज़्यादा डेवलपमेंट फंड्स नहीं है, खासकर रिजर्व सीट्स वालों को, तो मैं पूरी सिंध में से रिजर्व सीट पर खाती हूँ, हमें कोई डेवलपमेंट फंड नहीं कि हम वहाँ पे कर सकें, लेकिन हम हालात को बेहतर करने की कोशिश ये करें कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था हेस्को का, बिजली वालों का, लाओ अपना सखर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का, इनका जी जी। उनको हम ठीक कर रहे हैं क्योंकि वहाँ 50-50 साल हो गए वहाँ पर दरख्तों के ऊपर तारे लगी पड़ी, ट्रांसमिशन जो है वो वीक है और सालों से ये चीज हो रही है, हाँ तो अब उसको बेहतर कर रहे हैं उमर अयूब साहब कर रहे हैं और वजीर आजम ने खास तवज्जो भी दी हुई है इस बात पर जी। तो मैं समझती हूँ कि 5 साल में जब हम जाएंगे ना अपने घर बहुत कुछ जो है बेहतर होकर के जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक बात की जाए MQM के रोल की और मेयर के हवाले से जब हम देखते हैं तो वो इख्तियारात का रोना बहुत रोते हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? मैं समझती नहीं, काम करने वाला बंदा, देखो हम भी उस पोजिशन में काम कर रहे हैं, हमें सिंध गवर्नमेंट कौन सी इख्तियार दे रही है, लेकिन मुझे काम करना है। ये वसीम अख्तर साहब मेरे अब तो 28 को वो जा रहे हैं, अब जा रहे हैं जी। लेकिन MQM को चाहिए कि अब कोई अच्छा बंदा लेकर आए उस पर, वैसे भी वसीम अख्तर के ऊपर बड़े चार्जेस थे और बहुत उसके ऊपर कंप्लेंट्स थी, तो उनके अपनी पार्टी के लोग भी उसे फेल करना चाह रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि ये बात नहीं है। वहाँ पे सॉलिड वेस्ट भी बहुत काम कर रही है, जो जिन इदारों को काम करना होगा वो काम करें, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी तो पहुँच गए ना, उनके होने से नाले कैसे खुल गए? बिल्कुल ठीक, वो काम करना चाह रहे थे, ये काम करना नहीं चाह रहे थे, तो रोना अब फंड का रोना है तो
इस जायज़ नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 14 अगस्त का जोश व खरोश हम देख रहे हैं मैम, और आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी किस तरीके से लोग जो हैं वो इसके हवाले से बहुत पुरजोश होते हैं। खासकर अभी जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, सैलाबी सूरत हाल है, बहुत से मसाइल हैं, शहरी आबादियों को बहुत से मसाइल हैं, तो आप अभी क्या मैसेज जो है वो कौम के नाम देना चाहेंगे? 14 अगस्त, क्योंकि हम जब पैदा हुए तो हमें पता पड़ा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। जिन्होंने 14 अगस्त की दिन देखने के लिए इतने साल जदोजहद की, वो अभी भी ज़िंदा है ना, तो उनकी जो फीलिंग्स है वो और हैं और हमारी फीलिंग्स और हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रगल से गुजर के यहाँ पहुँचे, हमें एक बनी बनाई चीज़ मिल गई, तो इसलिए हमारे पास थोड़ी कदर भी कम है इस चीज़ की। अब मैंने देखा है कि अब अवेयरनेस इस बात पे बहुत आ रही है, क्योंकि जब ये बाहर के अपने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के मुल्कों को देखते हैं तो अपने घरों के बाहर अपने मुल्क के झंडे वो लगा के बैठे हुए हैं, अपने घरों के अंदर मुल्क के झंडे लगा, हमारे यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे लगाने की तो शौक होता है, लेकिन अपने मुल्क का झंडा लगाने का हमें शौक नहीं होता। हमें इस झंडे की कदर करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये झंडे से हमारी शनाख्त है, ये झंडा ना होता तो कोई हमें नहीं पहचानता कि हम पाकिस्तानी हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस दौरान अभी आप देखें ना कि लोगों, खासकर नौजवान जो तबका है, अब वो इस चीज़ की तरफ रागब हुआ है, क्योंकि दुनिया में हम जहाँ भी जाते हैं ना अब इज्जत होने लगी हमारे मुल्क में। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तो रैली हम होगी, इनेकाद करेंगे रैली, और एक मजदूर यूनियन की तरफ से हमारा सेमिनार है, वो है, ख़वातीन की रैली निकलेगी, तो ज़बरदस्त हो जाएगा हमारे वहाँ पर। राइट, इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे प्रोग्राम पार्लियामेंट हाउस से, आपने हमें बहुत टाइम दिया और बड़े मुफीद और बड़ी जो है वो इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई आपकी अपनी प्रोग्रेस के हवाले से भी। तो नाज़रीन, मैडम नुसरत पठान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी पार्लियामेंट कैफेटेरिया में, और उनसे हमने करंटली जो इशूज़ थे उन पर बात की, 2 साल कारकर्दगी का भी रिव्यू किया, और 14 अगस्त के हवाले से भी उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आज़ादी की कदर करनी चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।